गाइस, आप लोगों को मैं पोहा के बारे में बता रहा हूँ, पोहा कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप देखें, और बहुत ही टेस्टी होता है इस तरह का बनाने से पोहा। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं। और ये इसमें उसके बाद प्याज डालते हैं। और प्याज के साथ हरी मिर्च जो इस तरह से बारीकी से काट लेते हैं। और उसके बाद इसको हम हल्का हल्का इसको मिक्स करते हैं। और देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। हल्का हल्का मिक्स करते हैं। हाँ, उसके बाद हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेते हैं और इस तरह का होता है। और देखिए कैसे इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो आलू डालेंगे पहले और उसके बाद इसको भी हम मिक्स करते हैं। और उसके बाद इसको ये मटर होता है, उस मटर को हम इसमें डालते हैं। और उसके बाद मिक्सअप करते हैं आलू मटर। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल होता है जो इसमें पड़ता है। और उसके बाद प्याज आपने देखा ही, मिर्च देखा ही आपने, ये सबको हम मिक्सअप करते हैं। उसके बाद इसको हल्का सा ढक, उसके बाद चिड़ा लेते हैं और इस चिड़ा की धुलाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसको ऐसा हमारा जो दिखने में इस तरह लगेगा, धुलाई करने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जब इसको हल्का से मिक्सअप करते हैं उसके बाद इसमें हम मसाला डालते हैं। वो भी मसाला मसाला ज़्यादा नहीं, हम हल्का सा ही डालते हैं। और मसाला डालने के बाद हल्का सा उसके ऊपर से नमक डाल देते हैं। हाँ, उसके ऊपर से हम इसको मिक्सअप करते हैं दोनों डाल के। अभी हम हल्दी नहीं डालेंगे, पहले मसाला और नमक को दोनों मिला के हम मिक्सअप कर लेंगे। और देखिए ऐसा ही मिक्स होगा। तो इस तरह ये पककर तैयार होता है। उसके बाद इसके ऊपर से हम हल्का सा हल्दी डाल देते हैं और उसको मिक्सअप करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। उसके बाद मैंने बताया था जो चीड़ा को धुला रहता है, जो इसको हम इसमें मिक्सअप करते हैं और हल्का सा मतलब धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। तो गाइस, ये जो पोहा होता है, इस पोहे को हम देसी पोहा बोलते हैं। जब इस तरह का पोहा जब आप खाएंगे तो पहली बात तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे और घर का देसी पोहा ये बन जाएगा। और इसमें डालने के बाद हम हल्के हल्के इसको मिक्सअप करते हैं। देखिए इस तरह देखने में लगेगा, जो मिक्सअप करते हैं पूरा ऐसा ही मिक्स हो जाएगा। जैसे हम धीरे धीरे मिक्सअप कर लेते हैं तो इस तरह का देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देख लीजिए, पूरा येलो कलर का हो जाएगा और मटर पूरा इसमें मिक्स हो जाता है, चीड़ा मटर हो जाएगा। और उसके ऊपर से हल्का सा धनिया, उसमें धीरे धीरे करके धनिया को हम मिक्सअप कर देते हैं इसमें। और धीरे धीरे धनिया वगैरह सब मिक्सअप हो जाएगा। वाओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। कितना प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए इसको पूरा मिक्सअप कर दिया गया और ये धीरे धीरे हल्के हल्के इसको आंच पे, इसको हल्के हल्के आंच पे पकाया जाता है। और ये पकाने के बाद हमारा इस तरह जो है रेडी हो जाएगा। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगता है। देखिए आप देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब, एक 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 चीजें दिखाई देंगे। उसके बाद ये हमारा पोहा है, रेडी हो गया है। अब इसको हम
सर्व करेंगे सभी के साथ। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये घर का देसी पोहा कैसा लगा और देखने में कैसा लगा। थैंक यू।